नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर अरुण आ चुका हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई मेडिसिन के साथ। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीजल कंपनी की एलआरएस टैबलेट से रिलेटेड। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके एमआरपी, कौन सी बीमारी में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इससे जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो एंड तक देखें और चैनल पर जाकर सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं जो वीजल कंपनी की एलआरएस टैबलेट किसके लिए बनाई गई, कौन सी बीमारी में आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों ये खासतौर पर देखा जाता है कि नेजल एलर्जी के लिए बनाई गई है और राइनाइटिस प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्नीजिंग देखी जा रही है, आईज इचिंग देखी जा रही है, लाइक रनी नोज देखा जा रहा है, कफ डिजीज देखी जा रही है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी इफेक्टिव दोस्तों ये मेडिसिन है, जो कि होम्योपैथिक है और जो कि वीजल कंपनी की है। और इसकी क्या एमआरपी है, तो याद है दोस्तों 140 की, जो कि 140 रुपये की आती है। और इस मेडिसिन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आप जो है खाली पेट यूज़ करें और इसके 1 से 2 टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, जो कि खाने से आधे घंटे पहले लेनी है। और इसको दोस्तों पानी के साथ बिल्कुल भी यूज़ ना करें और इसको ढक्कन में डाल के लें, हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं। और इसको 1 दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। गाइस इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए आप इस मेडिसिन को उपयोग में ले सकते हैं। और जो कि दोस्तों ये देखा जाता है कफ डिजीज के लिए बनाई गई, अगर आपको खांसी रोग देखा जा रहा है तो उसमें भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। सो दोस्तों मैंने इस मेडिसिन की आप सभी को कंप्लीट नॉलेज दे दी है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर भी कर दें। और अगर चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेडिसिन के साथ। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी से दे दें धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।